वाकियात हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो किस्त नंबर 16। अपना इस्लामिक स्टूडियो नाजरीन अमर मादी करब का ये हाल था कि तमाम जिस्म खाक से अटा हुआ था, बदन पर जा बजा बर्चियों के जख्म थे, ताहम तलवार कब्जे में थी और हाथ चलता जाता था। इसी हालत में एक ईरानी सवार बराबर से निकला। नाजरीन इन्होंने इसके घोड़े की दुम पकड़ ली। ईरानी ने बार बार मुँह मीज किया लेकिन घोड़ा जगह से हिल ना सका। आखिर सवार उतर कर भाग निकला और ये उछल कर घोड़े की पीठ पर जा बैठे। नाजरीन साद ने ये देख कर के हाथी जिस तरफ रुख करते हैं दल का दल छट जाता है। नाजरीन जख्म व सलम वगैरह जो पारसी थे और मुसलमान हो गए थे बुलाकर पूछा कि इस बलाए सियाह का क्या इलाज है। नाजरीन उन्होंने कहा कि इनकी सूंड और आंखें बेकार कर दी जाए। तमाम गोल में दो हाथी निहायत मुहिम और कोहे पेकर गोया कुल हाथियों के सरदार थे। नाजरीन एक अर्ज और दूसरा अजरत के नाम से मशहूर था। साद ने काका आसिम हमाइल जुमेल को बुला कर कहा कि ये मुहिम तुम्हारे हाथ में है। काका ने पहले कुछ सवार और प्यादे भेज दिए कि हाथियों को नरगे में कर लें, फिर खुद बर्चा हाथ में लेकर पहले सफेद हाथी की तरफ बढ़े। नाजरीन आसिम भी साथ थे। दोनों ने एक साथ बर्चे मारे के आंखों में पेवस्त हो गए। हाथी झुरझुरी लेकर पीछे हटा। नाजरीन साथ ही काका की तलवार पड़ी और सूंड मस्तक से अलग हो गई। नाजरीन उधर रुबेल और हुमाल ने उजरब पर हमला किया। वो जख्म खाकर भागा तो तमाम हाथी उसके पीछे हो लिए और दम के दम में ये सियाह बादल बिल्कुल छट गया। नाजरीन अब बहादुरों को हौसला आजमाई का मौका मिला और इस जोर का रन पड़ा के नारों की गरज से जमीन दहल पड़ती थी। चुनाचा इसी मुनासिबत से इस मार्के को लैलतुल मुरीर कहते हैं। ईरानियों ने फौज नए सिरे से तरतीब दी। नाजरीन कल्ब में और दाएं बाएं 13-13 सफ़े कायम की। मुसलमानों ने भी तमाम फौज को समेट कर यकजा किया और आगे पीछे 3 पर्रे जमाए। नाजरीन सबसे आगे सवारों का रिसाला, उनके बाद पैदल फौजें और सबसे पीछे तीरंदाज। नाजरीन साद रदी अल्लाह ताला अन्हों ने हुक्म दिया था कि तीसरी तकबीर पर हमला किया जाए, लेकिन ईरानियों ने जब तीर बरसाने शुरू किए तो काका से जब्त ना हो सका और अपनी रुकाब की फौज लेकर दुश्मन पर टूट पड़े। फौजी उसूलों के लिहाज से ये हरकत नाफरमानी में दाखिल थी। ताहम लड़ाई का ढंग और काका का जोश देखकर साद रदी अल्लाह ताला अन्हों के मुँह से बे इख्तियार निकला अल्लाहुम्मा फिर वंसुर, यानी ए खुदा काका को माफ करना और इसका मददगार रहना। नाजरीन काका को देखकर बनु असद और बनु असद की देखा देखी नहा बुजैला कुंदा सब टूट पड़े। साद हर कबीले के हमले पर कहते जाते थे कि खुदाया इसको माफ करना और यावर रहना। नाजरीन अव्वल अव्वल सवारों के रिसाले ने हमला किया लेकिन ईरानी फौजें जो दीवार की तरह जमी खड़ी थी इस साबित कदमी से लड़ी के घोड़े आगे ना बढ़ सके। ये देखकर सब घोड़ों से कूद पड़े और प्यादा हमला आवर। नाजरीन ईरानियों का एक रिसाला सरतापा लोहे में गर्क था। कबीला हमिया ने इस पर हमला किया लेकिन तलवारें ढालों पर से उचट उचट कर रह गई। सरदारा ने कबीला ने ललकारा, सब ने कहा जिरहों पर तलवारें काम नहीं देती। उसने गुस्से में आकर एक ईरानी पर बर्चे का वार किया। नाजरीन जो के कमर तोड़कर निकल गया। ये देखकर औरों को भी हिम्मत हुई और इस बहादुरी से लड़े के रिसाले का रिसाला बर्बाद हो गया। नाजरीन तमाम रात हंगामा कारजार गर्म रहा। लोग लड़ते लड़ते थककर चूर हो गए थे और नींद के खुमार में हाथ पांव बेकार हुए जाते थे। नाजरीन इस पर भी जब फतह और शिकस्त का फैसला ना हुआ तो काका ने सरदारा ने कबाइल में से चंद नामवर बहादुर इंतखाब किए और सिपा सलारे फौज यानी रुस्तम की तरफ रुख किया। नाजरीन साथ ही कैस अशअस अमर मादी करब और जिलबुरवेन ने जो अपने अपने कबीले के सरदार थे साथियों को ललकारा के देखो ये लोग खुदा की राह में तुमसे आगे निकलने ना पाए। और सरदारों ने भी जो बहादुरी के साथ जुबान आवर भी थे अपने कबीलों के सामने खड़े होकर इस जोश से तकरीरें की कि तमाम लश्कर में एक आग लग गई। नाजरीन सुवार घोड़ों से कूद पड़े।
गए और तीरों कमान फेंक कर तलवारें घसीट लीं। इस जोश के साथ तमाम फौज सैलाब की तरह बढ़ी और फिरोजन व हरमजान को दबाते हुए रुस्तम के करीब पहुंच गए। नाजरीन, रुस्तम तख्त पर बैठा फौज को लड़ा रहा था। ये हालत देखकर तख्त से कूद पड़ा और देर तक मर्दाना वार लड़ता रहा। नाजरीन जब जख्मों से बिल्कुल चूर हो गया तो भाग निकला। नाजरीन, बिलाल नामी एक सिपाही ने ताकुब किया। इत्तफाक से एक नहर सामने आ गई। रुस्तम कूद पड़ा के तैर कर निकल जाए, साथ ही बिलाल भी कूदे और टांगे पकड़कर बाहर खींच लाए, फिर तलवार से काम तमाम कर दिया। नाजरीन, बिलाल ने लाश खच्चरों के पांव पर डाल दी और तख्त पर चढ़कर पुकारे कि रुस्तम का मैंने खात्मा कर दिया। नाजरीन, अल्लामा बिलाजरी ने लिखा है कि रुस्तम के कातिल का नाम मालूम नहीं, लेकिन अम्र मादी करब, तलहा बिन खुवैलद, कुर्रत इब्ने रुहम तीनों ने उस पर हमला किया था। मैंने जो रिवायत लिखी है वो अल अखबारुल तवाल की रिवायत। नाजरीन, ईरानियों ने देखा तो तख्त सिपा सलार से खाली था। तमाम फौज में भगदड़ मच गई। मुसलमानों ने दूर तक ताकुब किया और हजारों लाशें मैदान में बिछा दी। अपना इस्लामिक स्टूडियो के मोजिज़ नाजरीन, इस इबरतनाक शिकस्त के बाद भी चंद ईरानी नामवर अफसर जो रियासतों के मालिक थे मैदान में साबित कदम रहे, जबकि दूसरी जानिब सिपा सलार हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हो ने एक और फैसला किया। मोजिज़ नाजरीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 17 में देखना मत भूलिएगा।